चले सैंपल पेपर नंबर किस पे आ जाओ बेटा, 5 पे। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। दो पार्टनर एक साथ क्या हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं। एबीसीडी चार पार्टनर है, 2:2:1 की रेशियो है। ए और सी ने डिसाइड कर लिया कि हम जा रहे हैं। फर्म की गुडविल कितनी है, 3,60,000। बी और डी ने डिसाइड किया कि उनकी फ्यूचर में रेशियो क्या होने वाली है, 5:3। आपको क्या पास करके दिखानी है, जनरल एंट्री। बहुत सिंपल है, मजा तो तब आता है जब क्वेश्चन के अंदर क्या होता, एक पार्टनर क्या हो रहा होता, एडमिट, तो आधा मजा। अच्छा यदि इसी क्वेश्चन में एक की डेथ हो जाए तो सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन रहेगा, रिटायरमेंट और डेथ में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, आओ जी, तो कौन कौन पार्टनर है बताना, ए बी सी डी। फर्म गुडविल बताओ कितनी है, 360। क्रेडिट कौन सी रेशियो में करोगे, 2:2:1:2, यही है ना। 360 को 6 से डिवाइड करो, 60,000, 120, 120, 60 और 60। डेबिट कौन सी रेशियो में करोगे, न्यू रेशियो में, क्या है, 5:5:0:3:0, यही होगी ना। ए और सी गया ना, अच्छा सॉरी ए और सी गया, तो 0:5:0:3, तो ए गया सी गया। करो 360 को 8 से डिवाइड करो, क्या आ गया बताओ, 360 डिवाइडेड बाय 8 कितना, 45 बोलो बोलो भाई बोलो, पक्का 2 25 और 45 3 135। करो 120 क्या करने हैं, क्रेडिट, और ये कितने हो गए, 105 डेबिट। 60 क्या करने हैं, क्रेडिट, और ये क्या करने हैं, 75 क्या करने हैं, डेबिट। ठीक है, तो एंट्री क्या बनी बोलो, डी डेबिट टू ए टू सी, कैसे, बी डेबिट 105, 75, 120 और 60। पर इसका लेजर पोस्ट ना हो। आओ जी, अब हम आ गए सैंपल पेपर नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या कहता है बुक से, ध्यान से एक बार रीड करते हैं। कहता है एक्स वाई जेड पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। क्या है सर, वो तो गिवन है 1:2, 1:3, 1:6, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 3:2:1 ही आएगा। अच्छा जी, आगे पढ़ते हैं, क्रेडिटर्स पढ़े हैं बैलेंस शीट में, पार्टनर्स कैपिटल पढ़ा है, एक्स वाई जेड का, मशीन पेटेंट स्टॉक डेटर, डेटर पे पढ़ा प्रोविजन और बैंक पढ़ा है, लास्ट में पी एंड एल पढ़ा है। क्या पढ़ा है, प्रॉफिट है कि लॉस है, बोलो लॉस है। क्या है, 30,000 का लॉस, क्योंकि बैलेंस शीट में कहां पड़ा है, एसेट साइड। आगे वाई रिटायर हो गया और एक्स और जेड ने क्या रेशियो कर ली अपनी, 2:1। फिर फर्स्ट पॉइंट में कहता है द पेटेंट्स आर रिड्यूस बाय 40%, मशीनरी रिड्यूस टू 90%। पेटेंट 40% से कम हो गए और मशीनरी कम होकर कितनी रह गई, 90%। डेटर पे 5% का प्रोविजन बनाना है, रेंट 15,000 आउटस्टैंडिंग है, एक क्लेम है हमारे पास क्रेडिटर का, लायबिलिटी फॉर क्लेम इंक्लूडिंग इन क्रेडिटर 20,000 इज सेटल इन 15,000। कोई 20,000 की लायबिलिटी हमारे सिर पे, हमने उसको कितने में सेटल कर दिया, 15 में। सेटल करने का मतलब उसको पे कर दिया, तो 5 का क्या हो गया, हमें फायदा हो गया। 5 का हमें क्या हो गया, अक्रूड इनकम आई है बुक्स में 10,000 की। फर्म की गुडविल 1,20,000 है। आओ जी क्वेश्चन करें, एक ही पॉइंट इसमें अच्छा है, वो वाला क्रेडिटर्स वाला, कौन से वाला, क्रेडिटर्स वाला, क्या हो गया बेटे, थर्स्टी करो बैठे हैं क्लास में। सबसे पहले क्या लिखा है, पार्टनर्स कैपिटल में क्या लिखा है बताओ, बाय बैलेंस बीडी कितना, बोलो बोलो बता दो यार, 3,20,000, 2,01,70। ओके, कुछ और पड़ा है, हाँ सर लॉस पड़ा है 30,000 का। रेशियो बोलो क्या है पार्टनर्स की, बोलना, पार्टनर एक्स वाई जेड है, हाँ 1:2, 1:3, 1:6 एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 3:2:1 आएगा। तो क्या रेशियो है, 3:2:1। क्या लिखोगे यहाँ पे, टू पी एंड एल का लॉस पड़ा है हमारे पास, कितना लॉस पड़ा है बोलो,
30, तो कितना हो गया 15,000, 10,000 और कितना हो गया बोलो बेटा 5,000। कोई डाउट यहां तक किसी को, किसी भी बच्चे को कोई डाउट है बोलो। आगे क्या हुआ बताओ, आगे क्या हुआ बोलो बेटा। वैल्यू ऑफ पेटेंट इज टू बी रिड्यूस बाय 40%। पेटेंट कितने से कम हो गए, 40% से कम। नहीं काम करें पहले गुडविल का काम करते हैं। कौन कौन पार्टनर है बताना, एक्स वाई जेड। फर्म गुडविल बोलो कितनी है, 1:20। पहले क्रेडिट कौन सी रेशियो में करेंगे, 3:2:1। तो कितना हो गया 60:40:20। यस और नो। डेबिट कौन सी रेशियो में करेंगे, न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो क्या है, 2:0:1। 1:20 को 3 से डिवाइड करो, 40:80:40। क्या हो गया, 40 क्या करना है क्रेडिट, 20 क्या करना है, और यहां से भी 20 क्या करना है। तो बताओ एंट्री में किसी को डाउट, देखो कितना आसान है ये ऐसे करने से। क्या बोलते हैं, रेज द गुडविल अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड पीएसआर एंड साइमल्टेनियसली राइट ऑफ द गुडविल अमंग द न्यू पार्टनर्स इन देयर न्यू पीएसआर। खत्म काम करो। टू, नाम किसका लगाओगे, वाई का। 20 एक्स के काटोगे और 20 जेड के काटोगे। वाई को तो 40 देने हैं तो 20 20। नाम किसका लगाओगे, एक्स से लिए और किससे लिए, जेड से लिए। बोलो किसी को कोई डाउट बेटा यहां तक, पहले यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बोलो बेटा पहले। क्लियर है सारे का सारा, अच्छे से आगे चलते हैं, कवरअप करते हैं। क्या कहता है बताओ, वैल्यू ऑफ पेटेंट इज टू बी रिड्यूस बाय 40%। तो पेटेंट्स को रिड्यूस कर दो 40% से। पेटेंट है कितने के, 40,000 के। तो करो टू पेटेंट्स, कितने का नुकसान हो गया, और नई बैलेंस शीट में पेटेंट्स कितने के आएंगे, पेटेंट्स ऊपर क्या है, पेटेंट्स के ऊपर क्या है, मशीनरी। पेटेंट्स कितने के बचेंगे, 24,000। आगे बोलो क्या बेटा, फिर मशीनरी कम होकर कितने की रह गई, 90% की। तो कितना कम करना है मशीन को, 10% से, जो कि 3,00,000 का 10% कितना होता है। तो नई बैलेंस शीट में मशीन कितने की बचेगी, 2,70,000 की। किसी को डाउट, आगे चले। फिर वो क्या कहता है, फिर कहता है रेंट आउटस्टैंडिंग कितना है, 15,000। अच्छा बताओ, अच्छी चीज है बुरी चीज है, बुरी चीज है। तो टू आउटस्टैंडिंग रेंट कितना बेटा, 15,000। और नई बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना, 15,000। यस और नो, किसी को डाउट, आगे चलो। कौन से वाला, अच्छा डेटर पे कितना प्रोविजन बनाना है, 5%। तो 1,20,000 का 6,000 बनाएंगे, और ऑलरेडी कितना एग्जिस्ट करता है, 10,000। तो 4,000 का हमें क्या हो गया, फायदा हो गया। तो क्या लिखेंगे, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। पड़ा कितना है, 10, चाहिए कितना, 6। 4 का क्या हो गया, फायदा हो गया। क्या लिखेंगे, स्टॉक, स्टॉक के बाद क्या लिखेंगे, डेटर्स। डेटर्स कितने हैं, माइनस प्रोविजन कितना बनाना है, 6,000। तो 1,14,000 बच गए। यस और नो, पहले बताओ ये बात समझ आती है, डेटर वाला पॉइंट समझ आता है सबको। प्रोविजन कितना चाहिए आपको, सिर्फ मेंटेन करना है 5%। तो 1,20,000 का 5% कितना होता है, 6,000। ऑलरेडी कितना एग्जिस्ट करता है हमारे पास, 10,000। तो कितना हमारे को एक्सेस पड़ा है। तो प्रोविजन हटाओगे, प्रोविजन कम करोगे तो फायदा है, नुकसान है, तो फायदा है तो क्या करोगे, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करोगे। कोई डाउट, आगे मूव कर सकते हैं। क्रेडिटर्स जो कि 20,000 के है, उसको हमने कितने में सेटल कर लिया, 15,000 में। तो क्या एंट्री होगी बोलो, एंट्री होगी क्रेडिटर्स डेबिट टू कैश। कैश पड़ा है, बैंक पड़ा है, बोलो कैश, कैश एट बैंक है। तो क्रेडिटर टू बैंक और टू रिवैल्यूएशन, 20,000 के क्रेडिटर को कितने में बटा लिया हमने, 15 में। कितने में बटा लिया हमने उसको, 15 में। तो बात खत्म हो गई। नई बैलेंस शीट में बताओ क्रेडिटर्स कितने के आएंगे, एक 10 के थे, एक 10 में से 20 के तो पे हो गए, तो कितने के रह गए,
90 के, फायदा कितने का हुआ क्रेडिटर से आपको? बाय क्रेडिटर 5000, बाय क्रेडिटर 5000। आपके पास बैंक में कितने पैसे पड़े थे बोलो? 40। कितने चले गए, कितने बचे? 33। देख रहे हो हाथ कैसा चल रहा है, डबल ट्रिपल ट्रिपल चला यहां तो। क्रेडिटर भी कम कर दिए, बैंक भी कम कर दिया और फायदे को रिवैल्यूएशन में डाल भी दिया। बैंक में कितने हैं? 40। तो कितने बच गए? 25। कोई डाउट, बात समझ आ रही है भाई साहब? अब भी मस्ती करोगे तो पेपर में दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट आगे बताओ क्या लिखा है। अक्रूड इनकम कितने की है? 10,000 की। अक्रूड इनकम होती क्या है? इनकम विच इज अर्नड बट नॉट रिसीव। तो क्या लिख, फायदे की बात है ना, बाय अक्रूड इनकम कितनी? 10,000। तो बैलेंस शीट में कहां आएगी? अक्रूड इनकम 10,000। आगे बोलो, गुडविल का पॉइंट हम पहले ही कर चुके हैं, और तो कुछ नहीं है बताओ, फायदा है नुकसान है? बाय लॉस नुकसान। कितने का नुकसान है बताओ? फोर्टी टू का लॉस है। 42 के लॉस को डाल दो, टू रिवैल्यूएशन लॉस। कितना लॉस है? 42 को करो, 6 से डिवाइड करो 42 को, 7,000, 14,000, 21,000। कौन रिटायर हुआ है? तो वाई का पैसा कहां डाल देंगे? वाई के लोन में। और बाकियों का कहां डाल देंगे? बैलेंस सीडी में। ये सुनो, करो 240 में से कितने, 2,16,000 लिखो यहां पे, लिखो यहां क्या आएगा? वाइज लोन 2,00,000। फिर क्या आएगा पार्टनर्स कैपिटल में, किसका आएगा? एक्स का और जेड का। लिखो एक्स का कितना है, 320 में से माइनस कर दो 264। उसका बोल लो 170 में से गए तो 138। तो ये हो गया 264 और ये हो गया 130। टोटल बताओ क्या आ रहा है? 4,02,000। यस और नो? अब देखो बैलेंस शीट, पुरानी बैलेंस शीट उठाओ और एक एक आइटम पढ़ो, कुछ रह तो नहीं क्या? सबसे पहले क्या लिखा है? क्रेडिटर्स हो गए। फिर क्या लिखा है? पार्टनर्स कैपिटल, सब कुछ हो गया। उधर से चलो, मशीन हो गया, पेटेंट हो गया, फिर क्या है? स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, बैंक हो गया, सब कुछ हो गया। अच्छा स्टॉक लिखा ही नहीं, स्टॉक कितना है? 280 का स्टॉक है। 7,23,000। सिक्स पेपर पे, सिक्स पेपर ध्यान से रीड करो बेटा, सिक्स पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से रीड करो, क्या कहता है एक बार? कहता है एबीसी आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। ए रिटायर एंड बी एंड सी एक्वायर सीज शेयर इन द रेशियो 1:4। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू 1,50,000 पास एंट्री। ये तो हो जाएगा क्वेश्चन। अब आगे चलो, फिर अब आ जाओ कौन से क्वेश्चन पे? सेवंथ क्वेश्चन पे, और वाले पार्ट पे आ जाओ। अब हम आ गए सेवंथ क्वेश्चन के और वाले पार्ट पे। यदि आपको लगता है हो जाएगा तो नहीं करेंगे, डिस्कस करके छोड़ देंगे, अदरवाइज इसको पूरा कर लेंगे। क्या कहता है? एक्स वाई जेड पार्टनर एक फर्म के अंदर जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बेटा? 4:3:2। यही है ना क्वेश्चन? एक्स वाई जेड 4:3:2। बैलेंस शीट उसकी इस प्रकार की बने, क्रेडिटर्स 1,50,000, वर्कमैन कंपनसेशन 75, पार्टनर्स कैपिटल 5,20,000, 3,81,000 और 3,00,000 रुपए। एसेट साइड में प्लांट मशीनरी पड़ा है 6,00,000 का, स्टॉक 2,00,000 का, डेटर्स 250 जिसमें से प्रोविजन 8 माइनस करके 242, कैश एट बैंक 3,64,000, 3,64,000 रुपए है। जेड कह रहा है मैं फर्म से जा रहा हूं, तब हमने फर्म की गुडविल को कितना वैल्यू किया है? 80,000। नहीं, पढ़ो ध्यान से, गलत पढ़ गए हम। कह जेड रिटायर
एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इज 80,000. तो यदि जेड का शेयर 80 है तो पूरी फर्म का क्या होगा, 80,000 डिवाइडेड बाय 9/2 मल्टीप्लाई 9/2 डिवाइडेड बाय 2/9 होगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ऊपर जाके 360,000 फर्म की गुडविल आ गई. यदि हम रेज एंड राइट ऑफ वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो क्या होगा बताओ, तो फर्म गुडविल कंसीडर होगी, ये 80,000 से नहीं होगा. न्यू पीएसआर एक्स और जेड की क्या है, 5:3. आगे 10% डेप्रिसिएशन लगाना है प्लांट मशीनरी पे, स्टॉक इंक्रीज हो गया 15,000 रुपए से, बाय लिखा है, क्या लिखा है, बाय. बैड डेट कितने के हो गए, 20,000 के बैड डेट हो गए. आज तो हमारे पास कहां पड़े हैं, प्रोविजन पड़ा है, तो रिवैल्यूएशन में कितना डेबिट होगा, 12. और बैलेंस शीट में अब डेटर कितने के आएंगे, 230. कितने के आएंगे, 2.5 लाख के थे, 20,000 के बैड डेट हो गए, तो 230 के आएंगे. क्लियर है इतनी बात. आगे वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम कितना है, 30,000, तो 30 लायबिलिटी में आएगा, बचा हुआ 45 पार्टनर्स में बट के खत्म हो जाएगा. आगे क्रेडिटर आर टू बी पेड 15,000 मोर, क्रेडिटर को 15,000 रुपए और ज्यादा देने हैं, टू बी पेड रिवैल्यूएशन में डेबिट और नई बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स कितने आएंगे, 1,65,000, 1.5 लाख के पहले 15 की और हो गए. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने हैं, 2,000. कोई पुराना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, नहीं, तो रिवैल्यूएशन में डेबिट और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड. आगे चलते हैं, इन्वेस्टमेंट पड़ी है हमारे पास, हाँ 20,000 की इन्वेस्टमेंट पड़ी है, इन्वेस्टमेंट कितने की वैल्यू हो गई, और उसको कौन ले गया, जेड. तो पहले इन्वेस्टमेंट को 4,000 से कम करेंगे और बाद पहली एंट्री होगी रिवैल्यूएशन डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 4,000. अब कितने की बची, 16 की. अब एंट्री होगी जेड टू इन्वेस्टमेंट 16, जेड डेबिट हो गया, जेड क्या हो गया और रिवैल्यू इन्वेस्टमेंट क्या हो गई, क्रेडिट होगी क्योंकि वो जा रही है. नेक्स्ट एक स्टॉक है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 6,000 का अनरिकॉर्डेड मिला है हमें, तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट होगा और नई बैलेंस शीट में क्या नाम आएगा, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 6,000. आगे जेड को 30,000 रुपए कैश देंगे, दे दे 3 लाख सॉरी है हमारे पास, हाँ सर 3,64 है, ज्यादा ही है उल्टा, तो उसे 3 लाख कैश देंगे और बाकी कहां ट्रांसफर कर देंगे, उसके लोन में. क्या आप लोगों को लगता है क्वेश्चन मुझे कराना चाहिए, पक्का हो जाएगा, ठीक है, यदि हो जाएगा तो भी मैं मार्क कर लेते हैं हम लोग, और आप 10 बजे के बाद बैठ के करके ही जाओगे, ऐसे नहीं. आओ जी आ गए सैंपल पेपर नंबर 7th पे, क्या कहता है ध्यान से एक बार रीड करते हैं. पढ़ो जी 7th का थर्ड क्वेश्चन पढ़ो, सैंपल पेपर नंबर 7 का थर्ड क्वेश्चन पढ़ो. वो कहता है एक्स वाई जेड पार्टनर है फर्म में, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2:1. जेड रिटायर हो गया और न्यू पीएसआर क्या हो गई, एक्स और वाई की 1:2. उस टाइम पर फर्म की गुडविल को क्या वैल्यू किया गया है, 1.5 लाख रुपए. आप जर्नल एंट्री पास करके दिखा दो जेड की रिटायरमेंट में, सर बहुत ज्यादा आसान है, मुझे लगता है कि हो जाएगा. आओ जी 7th के 7th पे आ जाओ. अब हम आगे किस पे बेटा, क्वेश्चन नंबर 7th पे, सैंपल पेपर नंबर 7th के. ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं ही करवाता हूं. पढ़े, कहता है एबीसी पार्टनर है फर्म के अंदर, सी रिटायर हो गया और आपके पास डेटर गिवन है 2 लाख के, जिसपे प्रोविजन 8,000 है. प्रिमाइसिस बोलते हैं बिल्डिंग को जहां पे आपका ऑफिस है, फैक्ट्री होगी. कितने की प्रिमाइसिस है, स्टॉक कितने का है, आपको रिवैल्यूएशन को रिकॉर्ड करना है जर्नल एंट्री से, कर देते हैं. कहता है एन अमाउंट ऑफ 20,000 इंक्लूड इन डेटर्स आर टू बी राइट ऑफ, नो लॉन्गर रिसीवेबल. मतलब 20,000 रुपए हमारे क्या हो गए, बैड डेट हो गए, जो आगे मिलने की उम्मीद नहीं है. आगे डेटर पे सेम रेट से प्रोविजन बनाना है, किससे बनाना है प्रोविजन. अच्छा बताओ जरा पुराना रेट क्या है, कितना है बेटा, 4%. आगे प्रिमाइसिस अंडर वैल्यूड है कितने से, बोलो 20% से, और स्टॉक ओवर वैल्यूड है कितने से, 10% से. तो जल एंट्री करके दिखानी है. आओ जी बहुत आसान है, शुरू करो. आओ जी 7th सैंपल पेपर पे आ गए, 7th क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो. डेटर पे कितना प्रोविजन बनाना है बेटा, और डेटर पे कितना प्रोविजन ऑलरेडी है हमारे पास, 8 का, और कितने बैड डेट हो गए, 20 के. तो क्या जल एंट्री होगी, बोलो एंट्री होगी, नुकसान हो गया ना, तो अब लिखो बैड डेट्स डेबिट टू डेटर, बैड डेट डेबिट टू, कितने का नुकसान हो गया बोलो, 20,000 का. कितने का नुकसान हो गया, ये बैड डेट रखने हैं कि राइट ऑफ करने हैं, तो क्या लिखेंगे, टू बैड डेट्स 20,000. 20 में से हमारे पास ऑलरेडी कितना प्रोविजन पड़ा है,
8, तो क्या लिखोगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट 8,000। बाकी कहां से लेंगे? रिवैल्यूएशन से। कितने? 12,000। ये सुन लो, तो रिवैल्यूएशन में क्या लिखेंगे? टू बैड डेट्स। हालांकि उसने कहा नहीं बनाने के लिए, मैं फिर भी बना के दिखा रहा हूं आपको। 20 - 8 दैट इज 12,000। ये सुन लो, ये एंट्री समझ आती है? पहले बोलो सबको, ये एंट्री सबको समझ आती है? अब मेरी बात सुनो, कहता है सेम रेट का प्रोविजन बनाना है, सेम रेट का। तो पहले बताओ प्रोविजन कितना था और डेटर कितने के थे? दैट इज 4%। दैट इज 4%। मेरे को एक बात समझाओ, हमारे पास डेटर कितने के हैं बताओ? 2,00,000। 2,00,000 पे हमारे बैड डेट्स कितने के हो गए? कितने बचे? अब 1,80,000 पे नया प्रोविजन कितना बनेगा? 4%। तो माइनस प्रोविजन कितना बनाएंगे? एट द रेट ऑफ 4%, तो कितना हो गया? 7,200। कितना हो गया? 1,70,000। कितना आ गया? कितना? 2,800। तो बनाओ प्रोविजन, बनाओ 7,200 का प्रोविजन बनाओगे तो क्या एंट्री करोगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना? कितने का बनाओगे? 7,200 का। यस और नो? और यहां क्या लिखोगे? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना? 7,200। बैलेंस शीट तो कहीं नहीं उसने बनाने के लिए, उसने सिर्फ जल एंट्री करने को कही है। कोई डाउट यहां तक पहले बताओ? क्या ये पॉइंट समझ आ गए सारे के सारे? बहुत अच्छा पॉइंट है ये, बहुत ही अच्छा। और यही सबसे ज्यादा बच्चे गड़बड़ करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो इसे। हालांकि कुछ है नहीं, मैंने पहली कई बार बताई हुई है सब चीजें आपको। आगे चलो, फिर वो कहता है जो प्रीमाइसेस है ना वो अंडर वैल्यूड है 20% से। तो एक बात बताना, प्रीमाइसेस है कितनी? 80,000। 20% कम है तो कितने परसेंट है? दैट इज उसकी वैल्यू क्या हो गई? तो वैल्यू बढ़ानी है, कम करनी है? तो बढ़ाओगे तो क्या करोगे? प्रीमाइसेस डेबिट टू कितना? 20,000। क्या लिखोगे? बाय प्रीमाइसेस। कितना? 20,000। आगे चलो, स्टॉक ओवरवैल्यूड है 10% से। स्टॉक क्या बेटा? स्टॉक 22,000 का जो है वो 10% ज्यादा है, दैट इज 110% है। तो कितना हो गया है? बोलो 20,000। कितना हो गया बेटा ये? 20,000। तो वैल्यू बढ़ानी है, कम करनी है? नुकसान हो रहा है ना, नुकसान होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। तो क्या लिखेंगे? रिवैल्यूएशन टू स्टॉक कितना? 2,000। टू स्टॉक 2,000 हो गई। एक एंट्री, दो एंट्री, तीन एंट्री, चार एंट्री और पांच एंट्री। आगे चलते हैं, फिर क्या करना है? लॉस, रिवैल्यूएशन को क्लोज कर देंगे। क्या लिखेंगे? बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। बताना कितना लॉस है जी? कोई पीएसआर वीएसआर दे रखी है? नहीं दे रखी। 12 और 14 14 और 7 21। 21,200, तो 1,200 रुपए का लॉस आ गया। कितने का लॉस आ गया? कोई पार्टनर्स है? हाँ सर, ए बी सी। कोई पीएसआर नहीं है तो क्या होगी? इक्वल 400 400 400। भाई साहब मौका ही नहीं देना कि हमारा नंबर कहीं से काट ले। क्या एंट्री होगी बोलो? ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू रिवैल्यूएशन। 1,200 400 400 400। ऐसी खत्म हो गया। देखो मैं आपको दिखा देता हूं, ध्यान से देखना। रिवैल्यूएशन डेबिट कितने से हुआ? रिवैल्यूएशन डेबिट कितने से हुआ? रिवैल्यूएशन क्रेडिट कितने से हुआ? फिर डेबिट कितने से हुआ? बचा हुआ क्रेडिट हो गया, खत्म। कर लो क्लोज कर लो। आप ऐसे लिख लो, पहले लॉस बुक करना चाहते हो, कर लो। क्या एंट्री होगी बोलो? लॉस बुक करने की एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना? 1,200। फिर इसे क्या लिखोगे? रिवैल्यूएशन लॉस 1,200।
कर लो ऐसे कर लो, बाकी नहीं भी करोगे तो चलेगा। अब ये क्वेश्चन कितने नंबर का है? 5 नंबर का। फिर जो कह रहे थे कि हाँ हो जाएगा छोड़ दो हम खुद कर लेंगे, अब लगता है होता है पॉइंट ये वाला यहाँ पे, ठीक है इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो जिनको मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं उनको आप एक जगह लिखते जाओ। अब बोर्ड में जितने भी दिन की छुट्टी है आपको मान लो 2 घंटे में रिवाइज करना है सब कुछ, तो आप क्या करोगे? सिर्फ ये कॉन्सेप्ट वाला रजिस्टर उठाओगे लास्ट वाला, इसमें जो कॉन्सेप्ट है ये सारे फटाफट रिवाइज करोगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बस वही करोगे, नॉर्मल वाले क्वेश्चंस नहीं करोगे। आओ जी अब हम आ गए सैंपल पेपर नंबर 9 पे, ध्यान से बुक से एक बार रीड करें कि क्या कहता है। पढ़ो जी पहला थर्ड क्वेश्चन पढ़ो। ABCD 4 पार्टनर है फर्म में जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, 2:1, 4 है। ए डिसाइड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड शेयर एक्वायर बाय बी एंड सी। इसके शेयर को किसने एक्वायर किया है? क्या रेशियो है? 3:2 में। अकॉर्डिंग टू द अग्रीमेंट गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है? 50,000। कितनी गुडविल है बोलो बेटा? यू हैव टू पास अ जर्नल एंट्री, आपको क्या पास करके दिखानी है? गुडविल ऑफ द फर्म 50,000 है। अच्छा बताओ रिटायर कौन हो रहा है? ए जा रहा है और उसके शेयर को ले कौन रहा है? तो एंट्री क्या होगी? बी से लेंगे, सी से लेंगे और किसको देंगे? ए को। अच्छा बताना एक बार जरा फर्म की गुडविल कितनी है और भाई ए का शेयर कितना है गुडविल में बोलो? 3/10। 3/10 है ना, 3/10 तो कितना हो गया? 15,000। ये 15,000 बी और सी कौन सी रेशियो में देंगे? जिस रेशियो में वो इसको क्या कर रहे हैं? एक्वायर लिखा है ना। ए डिसाइड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड हिज शेयर एक्वायर बाय बी एंड सी इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो बताओ गेनिंग रेशियो क्या है? 3:2। तो कितना हो गया? 9,000 और कितना हो गया ये? 6,000। कोई डाउट यहां तक? आगे बढ़ो सेकंड पॉइंट। कह रहा है पहले साल का प्रॉफिट कितना है फर्म का? 5,00,000 रुपए। कितना प्रॉफिट है फर्म का पहले साल का? तो क्या एंट्री होगी बोलो? P&L डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 5,00,000। 5,00,000, 5,00,000, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट 5,00,000। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट कितना आ गया बेटा? 5,00,000। ये पैसे किसको देने हैं? बी को। किसको देने हैं? सी को। किसको देने हैं? डी को। किसमें देने हैं? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। पता है वो कितनी है? तो वर्किंग नोट्स में जाके आपको क्या करना पड़ेगा? न्यू PSR निकालनी होगी। बताना मुझे, बताओ पहले ए की रेशियो क्या है? ABCD की रेशियो पहले बताओ क्या है? 3:2 बोलो। 3:2, 4 कौन गया? ए गया। कितना हिस्सा छोड़ गया अपना? 3/10। इस शेयर को किसने लिया? बी ने और सी ने। कौन सी रेशियो में? 3:2 में। यस और नो? तो बताओ बी की नई रेशियो क्या है? ओल्ड प्लस गेन। क्या होगी? ओल्ड प्लस। तो बताओ ओल्ड कितनी है बी की? 2/10। गेन क्या कर रहे हैं? 3/10 को गेन कर रहे हैं। कैसे? 3/5 में। सी की न्यू रेशियो बताओ क्या है? सी है 1/10 प्लस गेन क्या कर रहे हैं? बी के 3/10 को कैसे गेन कर रहे हैं? 2/5 में। किसी को डाउट है इसमें कैसे कर रहा हूं मैं? क्लियर है? डी की न्यू रेशियो कैसे निकालोगी? डी पहले कितने का पार्टनर है? 4/10। और गेन तो बेचारा कुछ कर ही नहीं रहा, गेन तो क्या कर रहा है ये? 0। तो ये क्या आ गया? 4/10। तो कितना हो गया ये? 19/50। ये कितना? 11/ और ये कितना हो गया? 20/50। तो 19/11/20। क्लियर है? 19/11। तो 5,00,000 का प्रॉफिट है, कौन सी रेशियो में बांटेंगे? 19:11:20। बताओ कितना हो गया? 1,90,000, 1,10,000 और 2,00,000। ये था जी 2 नंबर का क्वेश्चन, लेंथी था, ठीक है। किस पे आ गए हम? सैंपल पेपर नंबर 9th के क्वेश्चन पे आ गए।
और जी अब हम आगे किस पे क्वेश्चन नंबर सेवंथ पे आ गए, नाइन सैंपल पेपर के। देखो कि बुक में ये क्या कह रहा है, आपको ध्यान से एक बार बुक से रीड करते हैं। कहता है एबीसी पार्टनर एक फर्म में ए डिसाइड टू रिटायर, ए फर्म से रिटायर हो रहा है, डेटर कितने के बेटा 80,000 के, हमारे पास उस पे प्रोविजन 4,800 का पड़ा है जो कि 75,200 बचे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000, इन्वेस्टमेंट हमारे पास पड़ी है 2,00,000 की, उस पे रिजर्व पड़ा है 20,000, क्रेडिटर 25,000 के हैं। पार्टनर्स एग्री दैट, पार्टनर्स इस बात पे एग्री हो गए, एन अमाउंट ऑफ 10,000 इंक्लूड इन डेटर्स, इंक्लूड इन डेटर्स आर टू बी राइट ऑफ, यू हैव टू प्रिपेयर अ रिवैल्यूएशन अकाउंट। सिर्फ आपको क्या बना के दिखाना है, कोई जेल एंट्री करने की जरूरत नहीं है, और प्रोविजन बनाना है सेम रेट से, प्रोविजन बनाना है बिल्कुल पिछला, बिल्कुल सेम पिछला क्वेश्चन है। वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम कितना है बोलो बेटा, 30,000, कितना है 30,000, ठीक है जी, और मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने की रह गई, कितने का नुकसान हो गया 80,000 का, रिजर्व कितना पड़ा है 20, तो कितना बच गया 60,000। तो बनाओ जी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, बहुत आसान है ये रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है, ये डेबिट साइड जहां सारे के सारे दुख दिखाई देते हैं मतलब एक्सपेंस लॉस, ये रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड है जहां सारे की सारी खुशियां दिखाई देती है, माने की इनकम गेन प्रॉफिट। कितने के बेड डेट हुआ है बोलो, 2 बेड डेट्स 10,000, कितने के बेड डेट है बोलो, और ऑलरेडी प्रोविजन कितने का पड़ा है, कितना आ गया 50,202 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना बनाना है वो तो हिसाब लगाना पड़ेगा। डेटर बताओ कितने हैं हमारे पास बोलो, कितने हैं 80,000 के डेटर है, 80,000 माइनस बेड डेट कितने के हो गए 10,000 के, कितने बचे 70,000, माइनस क्या बनाना है प्रोविजन, कितना बनाना है सर वो हिसाब लगाना पड़ेगा, सेम रेट से प्रोविजन कैसा बनाना है बोलो, प्रोविजन बनाना है सेम रेट से। तो पहले हम 4,800 का प्रोविजन बनाते थे 80,000 पे, तो बताओ कितना परसेंट हो गया, 6% प्रोविजन हो गया। अब बताओ 6% बनाओ, 4,200 का प्रोविजन बनेगा, यहां लिखो 4,200, बोलो यस और नो, कोई डाउट। आगे चलो, वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम कितना है 30,000, हमारे पास रिजर्व कितना बड़ा है, तो रिवैल्यूएशन में कहीं कुछ आएगा वो तो तुम बनाना ही नहीं, हमारा ध्यान सिर्फ किस पे है रिवैल्यूएशन पे। आगे चलो, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी रह गई, 1,20,000 है, कितने की 2,00,000 की, 2,00,000 की चीज 1,20,000 की रह गई, तो कितने का नुकसान 80,000 में, हमारे पास रिजर्व कितना पड़ा है 20, तो बाकी 2 इन्वेस्टमेंट कितने की करेंगे 60,000, कैसे 80 का नुकसान हुआ 20 का रिजर्व पड़ा था। आप में से कोई मुझे इसकी जेलेंट्री बताएगा क्या होगी इस इन्वेस्टमेंट वाले पॉइंट की, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट कितने का यूज करोगे, बाकी रिवैल्यूएशन को कितना डेबिट करवाओगे, और 2 इन्वेस्टमेंट कितनी कम करनी है 80, कैसे 2 की चीज कितने की रह गई, तो 80 का नुकसान, 80 में से 20 फंड में पड़े थे और बाकी का कहां से ले लिया रिवैल्यूएशन से। थर्ड पॉइंट क्या था बताओ भाई, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना है 30,000 और हमारे पास रिजर्व कितना पड़ा है 50, तो सर रिवैल्यूएशन में तो उसका कोई इंपैक्ट आएगा ही नहीं ना। हाँ, यदि 60,000 रुपए का क्लेम होता तो फिर 10,000 कहां आते, इसमें आते पार्टनर उनमें चले जाएंगे आपके उनमें, ठीक है। आगे चलो, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल कितना हो गया 69, और बेटा हमेशा आप क्या करोगे इसको पार्टनर्स में बांट कर भी आओगे, कौन कौन है ए बी सी करना, 69 400 को 3 से डिवाइड करो, पॉइंट में आएगा यह गंदा सा है ना, बताओ क्या आ रहा है 23,1,2,3,1,2,3,1,3,4 एक को 1 रुपए ज्यादा नुकसान दे दो, ठीक है। कोई डाउट यहां तक किसी को, आओ जी अब हम आ गए 10th सैंपल पेपर के क्वेश्चन नंबर 3 पे, बुक से ध्यान से एक बार
रीड करते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। आओ जी, एबीसीडी चार पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2:3:4 है। डी फर्म से रिटायर हो गया और बी और सी ने उसका शेयर कैसे एक्वायर किया 3:1 में। द फॉलोइंग बैलेंस अपीयर इन द बुक्स, ये बैलेंस दिखाई दे रहे हैं। डी का कैपिटल कितना है बोलो? 5 लाख। जनरल रिजर्व कितना पड़ा है? 1 लाख। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितना है बेटा? 60,000। आपको डी का कैपिटल अकाउंट बना के दिखाना है। यू हैव टू रिक्वायर टू प्रिपेयर डी कैपिटल अकाउंट। और फर्म की गुडविल कितनी है? 1,20,000। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। डी का कैपिटल अकाउंट बनाओ। सबसे पहले क्या लिखोगे यहां पे? क्या लिखोगे बताओ? डेबिट क्रेडिट बाय बैलेंस बीडी। कितने पड़े हैं उसके अकाउंट में? 5 लाख। आगे बताओ क्या पड़ा है? अच्छा, डी का पहले बताओ शेयर कितना है? डी का शेयर है 4/10। कितना है? तो बताओ उसे जनरल रिजर्व में कितना हिस्सा देंगे? 40,000। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितना है? कितना है? 24,000 का लॉस मिलेगा उसको। और कुछ सर? गुडविल है 20 की। अच्छा, डी का शेयर किसने एक्वायर किया है बोलो? तो बाय बीस कैपिटल और बाय सीज कैपिटल। अच्छा बताओ डी की गुडविल बनती कितनी है? डीज शेयर इन गुडविल। फर्म की गुडविल बोलो कितनी है? 1:20। 1:20 में भाई का शेयर कितना है बोलो? दैट इज कितना हो गया? 48,000। 48 कौन देगा? कौन सी रेशियो में? 3:2। तो ये देगा 36,000 और ये देगा 12,000। तो लो जी, इससे 36 ले लो और इससे कितने ले लो? 12,000। और यहां क्या लिखोगे? 2 डीज क्या लिखेंगे? कहां पैसा डाल देंगे? डी के लोन में डालो। कितने हो गए? 588। कितने हो गए? 588 माइनस 24, 5,64,000। मुश्किल था कि आसान था बताओ? अब हम आगे किस पे? किस पे आगे बेटा? क्वेश्चन नंबर 7 पे। डीके गोयल 10 सैंपल पेपर के 7 क्वेश्चन पे आ गए। रीड कर लेते हैं। यदि आपको लगता है कि हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं करवाता हूं। आओ जी रीड करो। PQR पार्टनर एक फर्म के अंदर जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 4:3:2। क्यू रिटायर हो गया। पी और आर ने डिसाइड किया कि वो फ्यूचर में रेशियो क्या कर लेंगे? 5:3। बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिटर्स, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कॉन्टीजेंसी रिजर्व। पहली बार आए। कॉन्टीजेंसी रिजर्व क्या है? फ्री। क्या है ये? फ्री। फ्री में कौन कौन से होते हैं? जल रिजर्व, रिजर्व फंड, कॉन्टीजेंसी रिजर्व और P&L क्रेडिट बैलेंस। तो कॉन्टीजेंसी रिजर्व कैसा रिजर्व है? फ्री। फिर क्या पड़ा है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट और वर्कमैन दोनों क्या है? स्पेसिफिक। क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पड़ा है, पार्टनर्स का कैपिटल पड़ा है। एसेट साइड पे प्लांट मशीनरी स्टॉक, डेटर इन्वेस्टमेंट, डेटर पे पड़ा प्रोविजन, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। क्या है ये? लॉस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्या है बेटा? लॉस। और कैश एट बैंक कितना है? 67। आगे फॉलोइंग टर्म्स आर एग्रीड अपॉन। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी वैल्यू की गई है? 180 हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बॉट 2 12,000। तो इसका मतलब बाकी बांट दें, 18,000 पार्टनर्स में बांट के खत्म कर दें। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ब्रॉट डाउन बाय 15,000। 15,000 से क्या कर दो? कम। तो रिवैल्यूएशन में क्या हो जाएगा? क्रेडिट, फायदा है। डेटर पे कितना? हमारे बैड डेट कितने के हो गए? 10 के। तो रिवैल्यूएशन में आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी प्रोविजन कितना पड़ा है? 15,000। आगे चलो। हाँ, माइनस तो दिखाएंगे। मैंने क्या पूछा? कि रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। आगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना है? रिजर्व कितना पड़ा है? 40। तो रिवैल्यूएशन में कितना डेबिट हो जाएगा और नई बैलेंस शीट में कितना आएगा? 50। नेक्स्ट, इट वॉज फाउंड दैट देर वॉज अ लाइबिलिटी फॉर 50,000 फॉर द गुड्स रिसीव एंड इंक्लूड इन द स्टॉक बट नो एंट्री हैज बीन पास। अच्छा, स्टॉक में तो इंक्लूड है, हमने कुछ गुड्स खरीदे हैं क्रेडिटर से, पर उसको रिकॉर्ड स्टॉक में तो रिकॉर्ड कर लिया, पर क्रेडिटर को रिकॉर्ड? तो आपके क्रेडिटर्स बढ़ गए कम हो गए? लाइबिलिटी बढ़ गई ना, तो रिवैल्यूएशन में डेबिट होगा और नई बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स आपके 165 से 50,000 बढ़ के
205,000 हो जाएंगे, 215,000 हो जाएंगे। रिवैल्यूएशन बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल बनाओ और मेरे कहने पे बैलेंस शीट भी बना लो। बहुत सिंपल और सीधा सीधा क्वेश्चन है, आप इसे कवर अप कर सकते हो। मैंने आपके साथ 10 सैंपल पेपर के क्वेश्चंस किए हैं, प्लीज आप इतना काम अच्छे से कर लेना कि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी।